सो गाइस, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है NKD Infotech। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि बाय मिस्टेक से अगर आपके लैपटॉप या तो आपके कंप्यूटर में कोई सा भी फाइल अगर डिलीट हो जाता है मिस्टेक से, तो उसको आप लोग फिर से किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह का नए कंटेंट लेके आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है रेकुवा। ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ रेकुवा। और यहाँ रेकुवा टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा filehippo.com से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन का रेकुवा मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ये ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। आपको इसको नो थैंक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ रेकुवा ही डाउनलोड करना है। तो उसको करने के बाद ये मेरा थोड़ी देर में ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ज़्यादा MB का नहीं है, सिर्फ ये 5 MB का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर लेने के बाद इस ब्राउज़र को हम लोग काट देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड होने दीजिए, इसके बाद मैं आपको आसानी से सारा प्रोसेस बताता हूँ। हो गया है, सिंपली आपको ये ओपन कर लेना है, आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना है और यस पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर मेरा सिस्टम में रिस्टोर हो चुका है, आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो फाइनली ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, रेकुवा V1.53 करके सेटअप है, ये आपका यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर रन रेकुवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कोई फाइल्स को लेते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर निमाई में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर ऑडियो एंड इमेज में जाते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास एक वीडियो है। ठीक है, इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये प्ले होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल्स को अगर आप लोग डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो रिसाइकल वे में चला जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, अगर शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो आपका पूरा सिस्टम से ही हट जाएगा। ठीक है, वो रिसाइकल वे में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग डिलीट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने से क्या हुआ कि ये मेरा फाइल जो है वो रिसाइकल वे में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से इसको रिस्टोर कर लेते हैं तो ये मेरा रिस्टोर हो चुका है, और अगर फिर से हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये मेरा फाइल्स यहाँ पर आ चुका है। लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि आप लोग अगर शिफ्ट प्लस डिलीट इसको करते हैं तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इसको यस पे क्लिक करते हैं तो आपका वो फिर से रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, आपका वो पूरा सिस्टम से ही हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसको मुझे अगर फिर से लाना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले रेकुवा का सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वो किस टाइप का फाइल था। तो मुझे मालूम है वो एक वीडियो था, तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपसे पूछा जाएगा कि वो किस लोकेशन में था। तो मुझे यहाँ पर मालूम है कि मेरा वो ऑडियो एंड इमेजेस वाला फाइल में था। ठीक है, तो ऑडियो और इमेजेस मेरा ई फाइल है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके मुझे ओके करना है, यहाँ से मुझे नेक्स्ट कर लेना है। और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा फाइनली इनेबल डीप स्कैन, तो आपको यहाँ से डीप स्कैन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग डीप स्कैन करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये फाइल्स यहाँ पर आ चुका है। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। आपका ये जो फाइल है 1.621 KB का था, स्टेटस मेरा यहाँ पर एक्सलेंट दिखा रहा है। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर दिखा रहा है नो ओवरराइट क्लस्टर डिटेक्टेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ये रिकवर कर लेना है। अब रिकवर मुझे कहाँ करना है, चलिए मैं अब इसको दूसरे फाइल में रिकवर करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है वीडियो निमाई जी करके, तो यहाँ से मैं इस वाले फाइल पर करता हूँ, HHH वाले में। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा पूछा गया ऑपरेशन कम्प्लीट, उसके बाद मुझे यहाँ से ओके कर लेना है। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद फिर से हम लोग जाते हैं इस वाले फोल्डर पे, मैंने इसको रिस्टोर किया था HHH वाले में। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि वो मेरा फाइल्स यहाँ पर फिर से आ चुका है। तो गाइस, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल अगर बाई मिस्टेक से डिलीट हो जाता है तो गाइस, इसके थ्रू से, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू से आप लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आप लोग डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर का लिंक को आपको ले लेना है, और सिंपली आपको ये इंस्टॉल करके
कोई सभी फाइल्स को अगर आप अगर बाय मिस्टेक से डिलीट कर दिए हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।